हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तब धरती नहीं बसेगा। भयंकर बाढ़ से अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। For over a week now, the people of Assam have been suffering. 3.3 million animals have been affected. This is what Assam looks like today. Heat wave is 45 degrees, the new normal for April, Vishnu. हम अपने जीवन को बेटर करने निकले थे, लेकिन वो बेटर नहीं, बेटर हो गया। और इसका रीजन है प्रकृति के साथ मनमानी छेड़छाड़। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इस जंग में हर पल अहम है और जंग लड़ने का सही समय है अभी। क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन के इस दौर में संकल्प तरु फाउंडेशन अलग अलग कठिन से भी कठिन इलाकों में पेड़ लगाने का और पर्यावरण बचाने का काम कर रही है। और अपनी इस मुहिम में वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे मोलाई के इस आइलैंड पर पहुंच चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं, उस पर करीब 1360 एकड़ में फैला हुआ है मोलाई फॉरेस्ट रिजर्व। जिसमें लगभग 4 करोड़ छोटे बड़े पेड़ हैं और इन सारे पेड़ों को लगाने के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ है, जाधव पाए। हर रोज इन्हीं पगडंडियों से जाधव पाए एक ऐसा सपना साकार करने निकलते हैं जिसमें प्रकृति और प्रकृति साथ साथ चलती है। पिछले 40 सालों की उनकी तपस्या और जज्बे ने ब्रह्मपुत्र नदी के इस आइलैंड का नक्शा ही बदल दिया है। प्रकृति के प्रति उनके समर्पण के लिए सन 2014 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मैं पद्मश्री लेके गौरव नहीं करा है, सम्मान लेके मैं क्या, लेकिन 130 करोड़ पीपुल के आशीर्वाद लेके लेटा हूँ। इंडिया में करने वाला बहुत काम है, इसके लिए लेटा, दूसरा के लिए नहीं। लेकिन क्लाइमेट चेंज, बेवक्त की बारिश और बाढ़ ने इस आइलैंड को भी बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। अभी जैसे ही नदी का पानी बढ़ते जा रहा है, वहां पे इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे कटती जा रही है। मिट्टी के कटाव की वजह है पेड़ों का ना होना। पेड़ों की जड़ें जमीन को बांध कर रखती हैं। इसके लिए ये जितने भी आइलैंड है सदिया तक धुबुरी, वो ग्रीन करने पड़ेगा। ऐसे में जाधव पायंग को और भी मदद की जरूरत थी। वो अगर अकेला एक आदमी पूरा फॉरेस्ट को सपोर्ट कर सकता है, फॉरेस्ट बना दिया है उसने, तो उनको सपोर्ट करना, उनका मतलब काम को आगे लेके जाना हम लोगों का जिम्मेदारी है। संकल्प तरु फाउंडेशन ने जाधव पायंग के साथ मिलकर मोलाई फॉरेस्ट रिजर्व 2.0 बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें यहाँ की कम्युनिटी के लोगों को भी साथ लेकर 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। मोलाई का ये आइलैंड सदियों से मिशिंग ट्राइब का घर रहा है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ घुल मिलकर रहते हैं। पशुओं के दूध और खेती से ही ये लोग अपना घर चला लेते हैं। जमीन से जुड़े ये लोग या तो पैदल या फिर साइकिल से अपने काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं।
इन लोगों के बीच में एक कहावत बड़ी फेमस है कि इन्हें बाजार से सिर्फ नमक, माचिस और तेल चाहिए, बाकी हर चीज इन्हें प्रकृति खुद देती है। पर एक आइलैंड पर पेड़ लगाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। बारिश के मौसम में जब पेड़ लगाने का सबसे सही टाइम होता है, तब पेड़ों की अलग अलग स्पीशीज को नाव में रखकर आइलैंड के किनारे पर लाया जाता है। फिर यहां से इन्हें ट्रैक्टर में लादा जाता है और ये ट्रैक्टर छोटी छोटी पगडंडियों से रास्ता बनाता हुआ मोलाई फॉरेस्ट रिजर्व 2.0 में पहुंचता है। पेड़ लगाने के लिए संकल्प तरु की टीम हर रोज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करते हुए मोलाई 2.0 तक पहुंचती है। यहां इन सैपलिंग्स को इस तरह से लगाया जाता है जिससे एक घना जंगल तैयार हो सके, मिट्टी के कटाव को रोककर उसे बांध कर रखा जा सके और अलग अलग पेड़ों के होने की वजह से बायोडायवर्सिटी बन सके। इसके साथ ही आसपास के वन्य जीवों, विशेषकर राइनोसोरस और हाथियों के लिए भी ये एक घर बन सके। धुईती नहीं होने से भी पेड़ पौधा न चाहे ऑक्सीजन का अभाव, कोविड ने विश्ववासी को समझा दिया था जितनी भी डाइट हो गया ऑक्सीजन का अभाव पर डाइट हो, दूसरा के लिए नहीं है। आप भी जाधव पाइंग और संकल्प तरु की इस आइलैंड को बचाने की मुहिम में सहयोग कर सकते हैं। मोलाई फॉरेस्ट रिजर्व 2.0 में पेड़ लगाने के लिए विजिट करें www.संकल्पतरु.org।